नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आपको नए घर की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर कड़कनाथ मुर्गे, खड्डू, गाय, कुत्ते सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, मिक्स ब्रांड मुर्गों की, ये है कड़कनाथ और लोकल मुर्गे। ये देखिए किस तरह तौलिया कर रहे हैं। ये कड़कनाथ मुर्गों की प्रजाति, ये कड़कनाथ और ये दूसरा लोकल मुर्गा है। ये कड़कनाथ मुर्गों का चिलचिला आजकल थोड़ा कम कर दिए सर्दियों में, नहीं तो ये 100 से ऊपर हो गए थे। कड़कनाथ मुर्गा सबसे महंगा मुर्गा है, इसका अंडा ही 50 रुपए का देते हैं। ये हमारे जैकी, जैकी उठ, ये है नया कुत्ता आंटी का। ये मेरा बछड़ू, ये मेरा बछड़ू, ये भी लोकल है, अपनी देसी गाय का बछड़ू है। ये लगभग लगभग 1 साल का होगा, इनकी हाइट ही नहीं बढ़ती है। ये हमारे खड्डू दो, प्रे, प्रे, प्रे। ये देखो कैसे मगन पड़े खाने में। ये है मेरी गाय, गाय, ये दोनों गाय हैं। सिग्नल इनका, देखो कड़कनाथ मुर्गे, बहुत सारे ही मुर्गे थे, लगभग लगभग 200 के करीब, अब आजकल 50-60 बचे हैं। देखो सर्दियों में पानी किस तरह भरा होता है, ड्रम में ढाल के बर्फ के बीच में, बर्फ बहुत लगती है यहाँ पर, तो इसलिए हम जो है ड्रमों में भरते हैं। ये मेरा बगीचा और ये है मेरा घर, नया घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरी माता जी पोरियल नहीं है, इतना है पोरियल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 है मैम यहाँ पे। बर्फ से ढका हुआ बगीचा है, तो बहुत है आज के लिए, काफी है इतना। ये देखो जी कड़कनाथ मुर्गे, ये है मेरा नया घर बगीचे में, और घर के ऊपर हमने रखा है घास। ये देखिए ग्रैनी स्मिथ, आजकल भी ये देखो पौधे हैप्के के अभी दबाए हुए हैं, इसके बाद हम इनको जैसे ही मौसम खुलता है, बर्फ कम होती है, तो हम इनको जो है लगाएंगे। ये है रूट स्टॉक के पौधे, लगभग लगभग 2 साल के हैं।
तो दोस्तों आज के लिए विदाई चाहता हूँ। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी कमियां रह रही है और या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।